दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम LIC मेंस में थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस का डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है तो आप एंड तक देखना, काफी कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि LIC मेंस में जो आपका जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, इसमें आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। देखो, एग्जामिनेशन अनप्रेडिक्टेड रहता है, कभी भी किसी को ये नहीं पता होता है कि क्या वो इंश्योरेंस से क्वेश्चन पूछेगा या नहीं पूछेगा। लेकिन जब एग्जाम LIC का है तो यहां पर आपको इंश्योरेंस सेक्शन की चीजों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज होती है कि बैंकिंग अम्बड्समैन के क्या 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 पोर्टफोलियोज हैं, क्या क्या वर्क है, वो आपको पता होने चाहिए। जो बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो बेसिकली क्या है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है, और भी ऐसी बहुत सारी टर्म है जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपके साथ पहले तो एक PDF शेयर करूंगा 36 पेजेस की। तो ये PDF जो है प्रैक्टिस मॉक के साथ में बेसिकली कोलैबोरेटिव फॉर्मेट में बनाई गई है। आप इस PDF को एक बार में गो थ्रू कर लेना, पूरा ढंग से पढ़ लेना, आपको ये चीजें मिल जाएंगी। इस PDF के अलावा मैं कुछ कंटेंट आपको दूंगा, वो मैं आपको वीडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड कराऊंगा, कंटेंट आपको जिस तरीके से बताता हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में करंट अफेयर्स के अलावा ये वाला जो सेक्शन है इंश्योरेंस का, ये भी पूछा सकता है। तो जो आपने LIC ADO में क्वेश्चन आए थे या LIC AO में क्वेश्चन आए थे, उनको हम अगले फेज में डिस्कस करेंगे ताकि आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पता चल जाए इंश्योरेंस के क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि PDF में क्या क्या बेसिकली रखा गया है। जैसे कि जो हिस्ट्री है इंश्योरेंस सेक्टर की, वो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि क्या है, ओके। जिसमें इंश्योरेंस सेक्टर की ओपनिंग की बात है और करंट सिनेरियो जो इंश्योरेंस सेक्टर का है वो वहां पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा रिस्क क्या होता है, ठीक है, क्योंकि रिस्क को आपको इंश्योरेंस के साथ जो है लिंक करके बताना होगा। देखो, ये छोटी छोटी चीजें थ्योरी फॉर्मेट में पढ़ोगे तो MCQ वहां पर बना पाओगे। अगर डायरेक्टली आपको MCQ दे दे कोई 50 MCQ, तो अगर उनसे हटके थोड़ा क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ रखी है तो आप 50 या 60, 70, 80 MCQ भी बना सकते हो। तो थ्योरी को पढ़ना थोड़ा सा जरूरी भी रहता है, और 36 पेजेस है, नियर अबाउट 3 दिन में आप इस PDF को बहुत आराम से दोस्तों खत्म कर दोगे, ठीक है। इसके अलावा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इंश्योरेंस का, उसमें आपको ये पढ़ना है कि इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है, ओके, और इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और कितने टाइप का इंश्योरेंस जो है अभी अवेलेबल है, और उसके टाइप्स आपको एटलीस्ट एक बार पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये PDF में हमने मेंशन कर रखा है। फिर यहां पर आपको ये देखना है कि लॉज रेगुलेटिंग इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, ठीक है, कुछ चीजें आपको IRDAI के बारे में पढ़नी पड़ेंगी। क्या ड्यूटीज हैं, क्या पावर है, कौन से एक्ट प्रोविजन इसको दिए गए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको LIC और IRDAI के बारे में बताऊंगा सेपरेट वीडियो में, लेकिन जो यहां पर कंटेंट दिया है आप इसको एक बार एक्सेस कर ले, यहां से आपको मदद मिलेगी। फिर ऑल अबाउट जो है आपको पढ़ना पड़ेगा बैंकिंग अम्बड्समैन क्या होता है, बैंकिंग लोकपाल क्या होता है, ठीक है। देखो, आपने देखा होगा कि लोकपाल की बेसिक ड्यूटीज क्या होती है, कि आपके अधिकारों का अगर हनन हो रहा हो तो लोकपाल वहां पर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता है। इन द सेम वे बैंकिंग अम्बड्समैन होता है, और इंश्योरेंस के लिए भी एक अम्बड्समैन होता है, ठीक है। तो वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी कि इंश्योरेंस अम्बड्समैन है क्या, क्या क्या प्रोविजन इसमें दिए गए हैं। फिर बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है, जब आप देखते हो कि किसी भी इंश्योरेंस की जो सेलिंग होती है, ठीक है, सेलिंग परचेजिंग जो है विद द हेल्प ऑफ बैंक होती है, तो हम उस टर्म को क्या बोलते हैं, बैंक का इंश्योरेंस, ठीक है। तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, बैंक का इंश्योरेंस क्या है और कितने टाइप्स का होता है बेसिकली, ठीक है, और रेगुलेशंस क्या है भारत में इसके। कुछ और चीजें हैं जैसे कि LIC के बारे में, वेरियस जो LIC के प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में ये पढ़ना होगा। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैं जो नाम बता रहा हूँ आपको, लगभग 8 गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इसके ऊपर हम सेपरेटली डिस्कशन करेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना जिसको बोलते हैं PMSYM, ओके, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अटल पेंशन योजना, यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसको पढ़ लो आप। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना PMVVY, ठीक है, ये पढ़ लो। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ठीक है, और नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम NSAP जो है ये। तो टोटल मिलाकर ये 8 वेरियस स्कीम्स हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, उनको आपको पढ़ लोगे तो उनसे आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें एक बार थ्योरी पोर्शन में, जिसको आप पढ़कर मुझे लग रहा है खत्म कर दोगे, इसमें कोई ज्यादा समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। बाकी बची बात है, जो लोग पूछ रहे थे कि सर हिंदी प्रैक्टिस, इंग्लिश प्रैक्टिस क्या, कैसे, कहां से क्या करना है,
तो प्रैक्टिस मॉक के 5 मॉक टेस्ट मेंस के लिए भी आपको मिल रहा है, ठीक है। ये जो मॉक टेस्ट मेंस के लिए है ये 175 रुपीज में पेड है, जिन लोगों ने पैकेज ले रखा होगा उनके लिए तो एक्सेस मिल जाएगा प्रैक्टिस मॉक प्रो का, ठीक है। वो पूरा एक साल 2020 तक के लिए पूरा वैलिड है, ठीक है। तो जिनके पास पैकेज होगा वो तो फ्री एक्सेस कर लेंगे, लेकिन अगर आपने पैकेज नहीं लिया है और आप चाहते हो तो वो 5 मॉक टेस्ट जो है आपको देने होंगे। 175 रुपीज का अमाउंट है उसके लिए दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो अगर 5 मॉक टेस्ट दे लेते हो तो कोई भी आपके लिए नुकसान वाली चीज नहीं है। आपको एटलीस्ट एक बार पता लगेगा कि हिंदी में क्वेश्चंस किस तरीके के बन रहे हैं, मॉक टेस्ट में ये चीजें दे दी जाती हैं, ठीक है। तो लेवल ठीक ठाक है, अच्छा लेवल है इनका, ओके। और आपको क्वांट रीजनिंग में तो बहुत जबरदस्त चीजें मिलेंगी, बाकी पैरेलल आप अदर सेक्शंस भी यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाओ जाकर देखो, पूरी पीडीएफ है और इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। और जो मुझसे हो पाएगा वो मैं आपके लिए दोस्तों करने वाला हूं इस LIC असिस्टेंट मेंस के लिए, क्योंकि कंपटीशन ऑलमोस्ट बहुत टफ है, डिवीजन वाइज वैकेंसीज हैं और कई सारे लोग जो है अपीयर हो रहे हैं मेंस में, तो हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है। हर एक एरिया में चीजों को चुनना पड़ेगा, ठीक है। कहीं से कोई सेक्शन आप खाली नहीं छोड़ पाओगे। आप सोचो कि मैं इंश्योरेंस नहीं पढ़ूंगा, पेपर को क्वालिफाई कर लूं, तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत माइनस पॉइंट हो जाएगा। मैं कहूंगा कि आप इसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करो और यहां पर आप अच्छा परफॉर्म करके आओ, ठीक है। तो अभी इतना ही, लेकिन मैं इसका अगला पार्ट और लेकर आऊंगा जिसमें आपको और चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिक एक आपको इंट्रोडक्शन था, क्योंकि शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन करनी है तो कुछ चीजें आपको भी परफॉर्म करनी होगी, तो आप एटलीस्ट इनको एक बार पढ़ो। बाकी मैं कुछ कंटेंट तैयार कर रहा हूं और उसके ऊपर मैं यहां पर डिस्कशन करूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।